पापा ने कर दिया यहाँ पे खतरनाक काम, एक्सीडेंट होते होते बचा और इसका सिर लगा बेचारे का अंदर जाके उस पेट में गड्डी मारी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम आ चुके हैं और नए व्लॉग में, एंड आज हम आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज के व्लॉग आप लोगों को बहुत ज्यादा मस्त लगने वाला है, बिकॉज आज एक तो हम कराने वाले हैं यूवी का हेयर कट। देखो इसके बाल कितने गंदे हो रखे हैं, पहले तो इसका हेयर कट कराएंगे एंड उसके बाद अपना हेयर कट कराएंगे, एंड दोनों का हेयर कट करा के भाई पूरे मतलब खतरनाक दिखने वाले आज। एंड अपने दो तीन बंदे वो लड़ रहे हैं पीछे, तो उनके साथ में भी और एक ये बंदा है अपना, इसका भी वो करना है, थोड़ा साफ करवाना है। ये भी भाई पूरी तैयार हो चुकी है, एंड अभी घर के बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पे इसमें सामान लग चुका है खाने पीने का, तो इसमें सामान लग चुका है, अब ये जाने वाली है गाड़ी। तो ने हमें इतना तंग कर दिया ना भाई, क्या बताऊँ। और इधर ना हलवाई ने सामान बनाया था भाई, इतनी मिठाई गिरी ना इधर भाई, मक्खियां हो चुकी हैं इधर चारों तरफ। हाँ भाई यूवी, अच्छा मेरे को ये बता, तेरे को कैसा हेयर स्टाइल करना है? मुड़वाने हैं, मतलब खड़े करने हैं। एक और आई अपनी क्वीन, हेलो विधि। ये जो इन्होंने रात अभी नया काम छेड़ा था, एंड फिर एकदम से शादी हुई, तो यहाँ पे किस प्रकार का आप लोगों को देख सकते हो, मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे मेरी दादी जी बैठी है, क्या कर रही हो माँ जी? दादी जी काम करके आई है। काम करके आई है, अच्छा। यहाँ पे हमारी दीदी जी कर रही है काम, कपड़े धो रही है। डुगू आ चुकी है, एंड डुगू को तो भाई हम कहीं पे लेके नहीं जाएंगे आज। अच्छा इधर आ, कौन सी क्लास में हो गए तो अभी तो बता दे। इधर आ, कौन सी क्लास में हो गए तो अभी तो बता दे। UKG white. कौन सी में? UKG white. UKG white. White कौन सी होती है? UKG white. White कैसे? कलर है हमारे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम है? अरे नहीं, हमारे स्कूल हमारी क्लास के अंदर वाइट है, क्योंकि हम हमारे हमारी क्लास का नाम है तो UKG white। दूसरी क्लास के अंदर पर्पल है, उसका नाम है पर्पल UKG white। और भी कलर्स किए हैं? हाँ बहुत सारी कलर्स की। कितनी कलर्स किए हैं? फाइव कलर्स किए। तो तू UKG white में है। तुम्हारी वाइट वाली क्लास में कितने बच्चे हैं UKG में? 100 100 है सब में, टोटल 500 बच्चे हैं। तू इंटेलिजेंट है, डल है, कैसा है तू? पढ़ाई लिखता कुछ नहीं हूँ, बस सोया रहता। गाइस जी मेरे भांजा अभी इसके बाल कटवा के आने हैं, घटिया आदमी के इसके बाल कटवाने हैं अभी, मस्त वाले है ना। अभी हम घर से निकल चुके हैं, एंड यूवी हमारे साथ में, एंड हम यहाँ पे तीन बंदे हैं। यूवी पापा ने कर दिया यहाँ पे खतरनाक काम, एक्सीडेंट होते होते बचा और इसका सिर लगा बेचारे का अंदर जाके उस पेट में गड्डी मारी। ये यहाँ पे गाड़ी मारी है पापा जी ने, और इसमें मारी है इस जगह पे, शुक्र है बचाव हो गया बस। गाइस यहाँ पे बाल कटवाए जा रहे हैं, धुलवाए जा रहे हैं, अब कटवाएंगे इनको, थोड़ी सेटिंग वेटिंग करवाएंगे, थोड़ा मुँह भी साफ करवाएंगे, पूरा चिकना बन के जाएंगे। काले मुँह वाला हो रहा है, काला मुँह रखा है, तीन दिन से आया नहीं मैं। अभी तो यूवी के बाल कट रहे हैं। यूवी कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है, लड़कियों जैसा दिख रहा? नहीं तू तो लड़कियों जैसा दिख रहा है मुझे, हैं? यूवी उधर देख, उधर क्या हाल है, मजा आ रहा है? भाई बंदा परेशान कर दिया हमने ना। तो गाइस फाइनली अपना यूवी तैयार हो चुका है, और भाई क्या प्यारा लग रहा है। हेलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गाइस ये मेरे को घुमाया जा रहा है, देखो चेयर पे, ये देखो गाइस चेयर पे घुमाया जा रहा है बार बार, गोल गोल। अब नहीं घूमेगा, अब नहीं घूमेगा, अब तो जोर लगा ले तू। पूरा चिकना निकलना पड़ेगा। भाई साहब ये कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? करीम लगाई जा रही है। तो गाइस अभी फाइनली हमने बाल वाल कटवा लिया है, एंड मेरे साथ में अंकित भी आ चुका है, एंड राहुल का भी भाई हमने हेयर वेयर सेट करवा दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे, एंड ये अभी पैदल लेके जा रहे हैं। भाई कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अच्छा ये बाइक लेके आया हुआ है। हाँ भाई अंकित, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं उसके रजत के लिए कोट पैंट लेने, रजत के लिए भाई ड्रेस लेनी है, और मेरे लिए शूज लेने हैं।
शूज भाई, एक शूज तो चल जाएंगे भाई। और भाई गर्मियों का टाइम है, सर्दी वाले कपड़े पहन के घूम रहा है, देखो ऊन वाले। यार लुक आनी चाहिए यार, गर्मी सर्दी मैटर नहीं करती। सही बात है गाइस, लुक आनी चाहिए, वरना ना ऐसे ऐसे बंदे हैं जो सर्दियों में भी टी शर्ट पहन के निकलते हैं घर से बाहर। जी हाँ पे हम आप मार चुके हैं कोट्स और पैंट्स की शॉप में, और ये भाई अपने काल वाइटी तैयार हो रहे हैं। और भाई यू कैसा लग रहा है तेरा मामू? मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ, मैं ज़्यादा ये मेरी नॉर्मल। तो गाइस फिलहाल हम जाने वाले हैं कुछ खाना खाने के लिए, तो यूवी को भूख लगी है तो उसको कुछ खिला के लाएंगे, और राहुल को भी भूख लगी है तो दोनों को कुछ ना कुछ खिला के लाएंगे अभी, और निकलते हैं अभी। मैं कॉल कर रहा था, मैंने पर्चा कटवा। तो गाइस फिलहाल हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, एंड इसको साइड में करते तो यूवी और मैं अभी कुछ खा के फिर जाएंगे घर पे। और यूवी को भूख लगी है, मुझे भूख लगी है एक्चुअली। मैं गाइस तो वैसे कुछ नहीं खाया, 3 बजने वाले हैं और देखते हैं अभी कुछ क्या सीन रहता है, तो खा के फिर निकलते हैं इधर से। मत अपना है ना यूवी, हाँ सुन क्या खाया तुमने? क्या 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 गला? गुलाब जामुन। चलते हैं गुलाब जामुन मंगवाता हूँ, ठीक है? कितने? 2 गुलाब जामुन काफ़ी हैं? इतनी सारी नहीं खा पाएगा, पहले 2 खा लें फिर और मंगवा लेंगे। तो गाइस यूवी को तो यहाँ पे गुलाब जामुन आ चुके हैं, ये तो अपना मस्त खा रहा है। हमारे भी यहाँ पे जो चीज़ मंगवाई थी वो भी आ गई है, तो हम भी खा लेते हैं एंड जल्दी से फिर चलते आगे घर पे। तो गाइस खाना खा लिया एंड अभी हम जा रहे हैं वापस अंकित के पास, एंड पापा भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, अगर उनको मिलना हो तो ठीक है, वरना हम वापस घर पे जाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम मैं इसको यूवी को इधर ही छोड़ दे रहा हूँ पापा के पास में, पापा के पास में आया था तो अभी यूवी को इधर छोड़ देता हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं तो थोड़ा शॉपिंग करूँगा, एंड ये तो अभी इधर ही है। कैसा लग रहा है मेरे साथ लगोगे तुझे? है मेरे को मुक्का मारेगा तू? तो गाइस फिलहाल में अभी हमको करना है कपड़े लेने हैं जो कि मेरे बच्चे हैं थोड़े से, तो यूवी तो अभी घर पे चला जाएगा अपना मस्त। मैं अभी इधर बैठा हूँ, इतना देखता हूँ कब तक क्या कुछ करते हैं अभी। तो गाइस रात के पता नहीं कितने बजे हैं, इनमें सब में टाइम अलग अलग है, इसमें 7 बजे हुए वैसे तो, 7 ही मान लो आप। तो फिलहाल हम लेने आया घड़ी, एंड काफी देर से हम ऐसे ही फिर से भाई मैंने अपने बाल बाल कटवाए, उसके बाद सबको चेंज किया, एंड फिर हम घड़ी वड़ी लेने के लिए आ चुके हैं फिर से, एंड हमको घड़ी पसंद नहीं आ रही है तो आई थिंक घड़ी सुबह ही लेनी पड़ेगी, बट पता नहीं क्या सीन रहेगा। और अभी बस इधर से निकले कुछ खा पी के। सो गाइस काफी देर के बाद फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, एंड मैं तो अभी सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ, एंड ये बच्चे भाई पीछे पूरी मस्ती कर रहे हैं। तो आपके काल वाइट को मिठाई के इसमें लगा दिया गया हम, ठीक है? तो अब इसको ना इनमें डब्बों में मिठाई पैक करनी है, थोड़ी थोड़ी सारी टाइप की मिठाई। तो उधर लड्डू है, इधर बर्फी है, इधर वो क्या होती है, अरे क्या होती है ये, मट्ठी, एंड दिस इज खुरमे, दिस इज खुरमे, एंड दिस इज गुड़ की सेलियां, एंड दिस इज मिष्टी, बिकॉज कोलकाता वाले नहीं जानते हो मिष्टी को बोलते हैं, मिठाई आप लोग को पता होगा। अरे वो मिष्टी उधर ही बोलते हैं, मिठाई अपने इधर बोलते हैं। टेस्टी है इसको, इस बंदे को। अरे नहीं पहले सब्सक्राइब उसको खिला यार, तो पहले खा गया, हट यार। गाइस ये है आप लोगों के लिए, खाओ मस्त खा ले। और एक सब्सक्राइबर हमारा ये है, ये मिठाई खा, ये हमने मजदूर मिठाई खा सुबह ताऊ जी मिठाई जाएगी, इसलिए हम मिठाई पैक कर रहे हैं अभी। ताऊ जी फुल पोटेंशियल के साथ अपनी दालों का इस्तेमाल करके आए हैं, अपने गुदो में बहुत फर्क के 2.5 ml, बिकॉज इनसे इनको बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, जिससे आसमान में उड़ सकते हैं, समुद्र की गहराइयां नाप सकते हैं, एंड अंतरिक्ष का तो पूछो ही नहीं। दिस इज द पावर ऑफ वाइन, वोडका, दारू। गैस बहुत मस्ती होगी, फिलहाल इनको काम कर रहे दो, एंड अभी हम अभी थोड़ा सा और काम करते हैं, देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो दूल्हे राजा तो अपने बाहर ही सो गए, उनको नींद आ रही है, तो अभी पता नहीं सो रहा है क्या कर रहा है। यहाँ पे दूल्हा राजा अपने फ़ोन की पुरानी फोटोज देख रहा है, और भाई पुरानी फोटोज देख रहा है ना, ओल्ड मेमोरीज को याद कर रहा है। चलो भाई दूल्हे राजा सोते रहे, और यहाँ पे हमारे कुछ जो भाई घर का हाल देखो, मेहंदी मेरे को लगवानी है, तो घर का हाल देखो, सारा सामान इस रूम में है, दीदी यहाँ पे नीचे प्रेस कर रही है कपड़ों पे, ठीक है, एंड मम्मी, मम्मी भी सारा दिन से बिजी आज। मम्मी कैसा दिन रहा आपका आज का? बहुत अच्छा, बिजी डे, ये मेहंदी लगा रहे हैं, एंड यहाँ पे दादी जी को, ठीक है ठीक है। तो फिलहाल तो यही सब हो रहा है यहाँ पे, एंड मैं भी आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, क्योंकि रात के 12:20 हो चुके हैं, एंड होप करता हूँ मेहंदी लगाएंगे ना, तो होप करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।
गाइस व्लॉग बन रहा है एंड रात के 11-12 बजने वाले हैं और यहाँ पे डांस चल रहा है पीछे।